मैं अफजल शाह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर ट्रिपल एट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले लेसन में हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट को कैसे बनाते हैं और उसका कोऑर्डिनेट कैसे हम निकाल सकते हैं। आज अलाइनमेंट में एक और ऑप्शन है जिसका क्रिएट अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, क्रिएट बेस्ट फिट अलाइनमेंट। आज हम सीखेंगे इसमें क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से हम अलाइनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं पॉलीलाइन से। तो आज एक फर्स्ट पॉलीलाइन लगाते हैं और इसको सेम मेथड है उसका, थोड़ा सा उसमें बस एक पॉलीलाइन लगाते हैं यहाँ से यहाँ पर। इसी को हम अलाइनमेंट करवाते हैं, तो यहाँ से जाएंगे अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये पूछ रहे पूरी लाइन का, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करेंगे। ऐसे एंटर करेंगे इसको, तो ये आपसे नेम पूछेगा, इसको यहाँ पर अलाइनमेंट नाम दे देते हैं, अलाइनमेंट टू के नाम से इसको। फिर यहाँ पर आते हैं जनरल डिजाइन क्राइटेरिया में, यहाँ से इसको चेक करते हैं। यहाँ से इसमें परसेंट वगैरह जिस तरह पिछले वीडियो में सीखा था हम चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम इसको ओके करते हैं, यहाँ से जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइनमेंट क्रिएट हो गया, लेकिन लेबल शो नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमने इसको क्लिक कर देना है, राइट क्लिक, और यहाँ से जाना है एडिट अलाइनमेंट लेबल्स पे। यहाँ से आपने यहाँ पर शो नहीं करा अलाइनमेंट, तो यहाँ से हमने ऐड का ऑप्शन कर देना है, ऐड और ओके कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबल लग गए हैं। सेम तरीका है इसका, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से एडिट अलाइनमेंट स्टाइल, एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री में, यहाँ से आपका रेडियस वगैरह आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से अगर एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से भी इसको क्लिक करके यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेम तरीका से क्या है, यही है, अगर इसका कोऑर्डिनेट आपने उठाना है तो यहाँ से स्टेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर 0-0 से या लेंथ कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेम तरीका है जिस तरह पिछले लेसन में सीखा था। तो कोऑर्डिनेट उठाने का भी वही तरीका है, जिस यहाँ से हमने जाना है इस टूल बॉक्स वाले ऑप्शन में, रिपोर्ट मैनेजर, और यहाँ से अलाइनमेंट को सेलेक्ट करना,
इंक्रीमेंटल स्टेशन क्लिक करके राइट क्लिक एग्जीक्यूट में क्लिक करेंगे तो ये ऑरिजिनेट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जितने भी अलाइनमेंट आपके साथ होंगे सब इधर आ जाएंगे। तो हम ये चेक काम चेक कर सकते हैं, सबका एक साथ भी आप ले सकते हैं प्रिंट इसका, और यहाँ से आप कर सकते हैं ये HTML में आपको सेव करेगा क्रिएट रिपोर्ट, तो दोनों का भी ले सकते हैं अगर एक वन बाय वन का आपको चाहिए तो वन बाय वन का भी ले सकते हैं। ये दोनों टेबल आपके सामने शो हो रहे हैं, एक और दो होती हैं, जितने भी अलाइनमेंट हुआ आपके पास सबका वर्जनेट यहाँ से बहुत ईजी 20-20 के तो ये देख सकते हैं 0, 0, 20, 40 और 20-20 मीटर पे आपको ये कोऑर्डिनेट दे देगा।